ये भैया अब ये बन गया, ये भैया बीज उपचार हो गया। ये भैया ये जैसे बीज है, पाउडर में एक एक बीज चिपक जाना चाहिए भैया। एक भी बीज ना बचना हाँ, चाहिए। एक भी बीज ना बचना चाहिए भैया। तो ये ऐसा करके अब ये बीज को अपन अब नर्सरी में डालेंगे भैया। अब अच्छा, नर्सरी में डालने, कैसे डालेंगे भैया बताइए ना, आप, नर्सरी में कैसे हाँ डालेंगे। भैया, ये हम बताते हैं। अब अच्छा, नर्सरी में डाल के बीज बताते हैं। अब हम नर्सरी में बीज कैसे डाल रहे हैं, एक एक दाना ऐसे डाल रहे हैं भैया नर्सरी में, कि ये पौधा को हवा भी मिलेगा भैया। दूर दूर का अलग रख रहा है। भैया दूर दूर ऐसे रख रहे हैं कि इसको हवा भी मिलेगा और पानी जो डालेंगे तो इसके जड़ तक पानी उतरेगा भैया, और इससे उसको प्रकाश भी मिलेगा भैया। अच्छा, हवा, पानी, प्रकाश, खाना पीना, माने सब कुछ उसको हाँ पर्याप्त मिलेगा, हाँ पर्याप्त मिलेगा भैया, इसलिए अपन दूर दूर डाल रहे दूर हैं। दूर डाल रहे हैं। और अच्छा, पौधा भी अच्छा इसमें से डालने से भैया पौधा अच्छा तंदुरुस्त स्वस्थ पौधा निकलते भैया। इस वजह से अपन दूर दूर डाल रहे हैं। हाँ भैया, अब ये बीज को अब ढकेंगे भैया। कैसे? अब इसको, अच्छा, इस तरह से अब वो बीज माने ढका गया। हाँ ढक गया भैया, अब ये बीज ऐसे ढका जाएगा। अच्छा, इस तरह से ना। हाँ अच्छा भैया, ये बीज आज जैसे डाले तो कितने दिन में हो जाएगा लगाने लायक? हाँ भैया, ये भी ये पौधा ये 25 दिन में लगाने लायक हो जाएगा भैया, 25 दिन इसके में पौधा। तैयार हो जाएगा। हाँ 25 दिन में तैयार हो जाएगा। अब इसमें पानी डालेंगे। हाँ भैया, अब इसमें अच्छा, तो पानी तो बहुत कम डाल रहे हैं भैया, कम ही डालते हैं। अभी इसमें अभी बीज डाले हैं तो आज पानी कुछ बहुत कम मात्रा में डालेंगे भैया। काहे कि ज़्यादा पानी डालने से भैया ये बीज ठंडा हो जाता है भैया बीज के। हाँ भैया, नीचे से कम पानी डालने से इसमें फिर इसका गर्मी फेंकेगा भैया, उससे जल्दी हो। इसका बीज का अंकुरण जल्दी होगा भैया। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने जो है तो इस तरह से ऐसे मौला नर्सरी के बारे में बताया भैया। तो और किसान वाले भी और कुछ बताना चाहते हाँ भैया, बताना चाहता हूँ जैसे कि अभी अपन ये नर्सरी बनाया, इसी प्रकार यही प्रकार के नर्सरी तैयार करके बीज उपचार करके और रोपाई करा करके किसानों में बता सकते भैया।